नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक दोबारा से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है हमारे सामने, और अगर आपके सिलेबस में है ये टॉपिक तो प्लीज़ मत छोड़ देना इसको। इस पर ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऐसा नहीं है कि बस यही वीडियो परफॉर्मेंस अप्रेजल की इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है या मीनिंग होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आखिर में करते क्यों हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं कि करने के बाद क्या क्या इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, और बाकी के टूल्स वगैरह जो हैं वो आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। मतलब इसके तुरंत बाद तो नहीं आ सकती ये वीडियो, क्योंकि मैं कोई दूसरी वीडियो प्लान कर रहा हूँ कोई और टॉपिक पे, तो हाँ आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। यार इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, देसी भाषा में समझ लेते हैं पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। अब ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, परफॉर्मेंस को और अप्रेजल को। परफॉर्मेंस का मीनिंग हिंदी में होता है प्रदर्शन, और अप्रेजल का मीनिंग होता है मूल्यांकन। तो किसी भी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, दैट मीन्स किसी प्रदर्शन का मतलब क्या है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिव्यू करना, उसको ऑडिट करना। ऑडिट तो मतलब सही टर्म नहीं होगा इसके लिए, मतलब उस चीज़ को रिव्यू करना, उस चीज़ को देखना। ठीक है, कि क्या काम किया है उन्होंने, कैसा काम किया है। ऑलराइट, तो ये तो देसी भाषा में मीनिंग हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अभी पढ़ लेते हैं इसको। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन बोल लो, रिव्यू बोल दो, अप्रेजल बोल लो, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है परफॉर्मेंस का। एम्प्लॉय जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करना। क्यों करना इवैल्यूएट? ताकि उसकी एबिलिटी पता चल जाए कि उस एम्प्लॉय में कुछ एबिलिटी है ग्रोथ करने के आगे, कुछ उसमें डेवलपमेंट हो सकती है क्या आगे। उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस टू ऑब्टेन, एनालाइज एंड रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं, मतलब एकत्रित करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको सही से, उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में, ताकि हमें पता चल सके कि एम्प्लॉय की वर्थ कितनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज़ के मुकाबले, रिलेटिव वर्थ क्या है उस एम्प्लॉय की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए हम करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और इसका ये मीनिंग होता है। और क्या बोला गया इसके बारे में? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन पीरियोडिकली बट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। अब इस चीज़ का मतलब समझो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को पीरियोडिकली तो करते हैं, दैट मीन्स कि अगर कंपनी बोल रही है ना कि चार साल बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, चार साल तो बहुत ज़्यादा, चार महीने बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कि चार महीने बाद अगर कंपनी को कर रही है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो हर चार महीने बात करें। ये नहीं है कि हाँ भाई अगले चार महीने किया, उसके बाद आठ महीने छोड़ दिया, फिर चार महीने किया। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये नहीं कि जब मर्जी हो जब कर लो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली डन इन सिस्टमैटिक वे विच आर एज फॉलोज। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करते कैसे, मतलब ऐसे शॉर्टकट में है। तो फर्स्ट स्टेप इसका हो गया, द सुपरवाइजर मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंपेयर इट विद द टारगेट्स एंड प्लान्स। अब सुपरवाइजर एक मान लो कोई मैनेजर होता है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ना एक मैनेजर होता है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ की पे को देखेगा कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय को कितने रुपए मिल रहे हैं, और उसके बाद देखेगा उसके काम को, और उन दोनों को क्या करेगा, मेजर करेगा कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय को इतने रुपए मिल रहे हैं, इसका काम कैसा है। ठीक है, तो उसकी पे को और उसके टारगेट्स और प्लान्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, सेकेंड आ गया इसका, द सुपरवाइजर एनालाइजेज द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंसेज ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कि एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है, तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, कि किस किस रीज़न की वजह से वो ऐसा परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में सुपरवाइजर ये करेगा, थर्ड स्टेप में करेगा द एम्प्लॉयर आर इन अ पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉयज फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयर बोल लो या सुपरवाइजर बोल लो, मतलब सेम ही होता है दोनों का लगभग मीनिंग। तो एम्प्लॉयर अभी इस पोजीशन में होता है थर्ड स्टेप में, कि वो एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्मेंस के लिए गाइड कर सके, उनको फीडबैक दे सके। फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया एम्प्लॉयर ने, कि एम्प्लॉयज़ को कितने रुपए मिल रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में उसने किया कि एम्प्लॉय को वो काम करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को गाइड करेगा, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करेगा,
बुरा काम कर रहा है तो उसको फीडबैक देगा कि हाँ भाई ये आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल की कॉन्सेप्ट की। अभी आ जाते हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, करते क्यों है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या उद्देश्य है इसका, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फर्स्ट आ गया इसका टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेजेस, वेज स्ट्रक्चर, सैलरीज रेजेस एक्सेट्रा। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो उसका यही हो गया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करके हम कंपनसेशन पैकेज डिसाइड कर सकते हैं, कितने रुपए एम्प्लॉय को देने हैं, कितना वेज स्ट्रक्चर रहेगा उसका, क्या उसकी सैलरी रहेगी, मतलब जो भी एक कंपनी एम्प्लॉय को देती है ना वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड बनाने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। सेकेंड हो गया टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज टू प्लेस राइट मैन ऑन राइट जॉब। अब हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको पता चल जाएगा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी, उसकी वीकनेसेस पता चल जाएंगी, ताकि आप सही एम्प्लॉय को सही जॉब पे लगा सको। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय उस जॉब के लिए बना ही नहीं है तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करके वो चीज़ पता चल जाएगी, हाँ भाई इसके टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं, क्यों मीट नहीं हो रहे, इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ और हैं, तो उस जॉब में आप उसको डाल सकते हो। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये हो गया, इससे भाई एम्प्लॉयज के बारे में पता चल जाता है स्ट्रेंथ्स वीकनेस वगैरह। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया टू मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल प्रेजेंस इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज के अंदर कितनी पोटेंशियल है काम करने की, ठीक है, कितनी उनमें एबिलिटी है, ताकि वो फर्दर आगे ग्रो कर सकते हैं, उनको मतलब अगर आगे कोई पोस्ट हुई तो उसके लिए उनको रेफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब उनमें ऐसी एबिलिटी है कि नहीं है, वो पता चल जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। फोर्थ आ गया टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में पढ़ा था कि मैनेजर इससे क्या कर सकता है ना, एम्प्लॉयज को फीडबैक दे सकता है कि आपकी ये परफॉर्मेंस है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, और ये आपके रीजंस है, ये आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इन पे आप काम करके आप अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकते हो, या परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी आपके टारगेट्स हैं उसके लिए फीडबैक दे सकता है एम्प्लॉयर, ठीक है। फिफ्थ आ गया इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अभी भाई क्या होता है ना, एम्प्लॉयज को काम करने की वो नहीं होती है, मतलब जैसे मान लो कि मैंने कल को कोई कंपनी ज्वाइन करी, मेरा कोई मन ही नहीं है काम करने का, भाई मैंने कहा क्यों काम करना है भाई, सैलरी हमें वैसे भी मिलेगी बिना काम किए, है ना, ऐसा मैं खराब सा एम्प्लॉय हूँ। लेकिन अब मैंने देखा ना कि हाँ भाई कंपनी में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, दैट मींस जो सुपरवाइजर हैं वो और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करके उनको क्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको अलग जॉब पे दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए मेरी क्या होगी, वर्किंग हैबिट बन जाएगी, हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा ना यार, तभी तो मेरी प्रमोशन हो पाएगी, तभी तो मेरा अप्रेजल हो पाएगा, तो इसके लिए वर्किंग हैबिट एक डिसाइड हो जाती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ताकि और एम्प्लॉयज़ जो काम नहीं कर रहे हैं वो देख के थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन करने के लिए, कि हाँ भाई अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन की ज़रूरत है, या उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करके लग रहा है कि हाँ भाई यार इसकी प्रमोशन बनती है, इसमें वो पोटेंशियल है, तो उसके लिए प्रमोशनल प्रोग्राम्स के लिए, या अगर किसी एम्प्लॉय में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा भाई, वो सूटेबल ही नहीं है उस जॉब के लिए, तो उस अगर वो सूटेबल नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देकर उस जॉब के लिए सूटेबल किया जाता है। इसलिए ट्रेनिंग और प्रमोशनल प्रोग्राम्स के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ में ट्रेनिंग नीड्स कितनी हैं, कितनी प्रमोशनल नीड्स हैं, वो सारी पता चल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या इसके लाभ होते हैं, ठीक है, क्या इसके फायदे होते हैं। फर्स्ट आ गया आपका प्रमोशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको कंपनी में एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा एफिशिएंट है, इसके लिए हम प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन प्रोग्राम रख सकते हैं इसके लिए। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी पता चल जाता है, तो उनको आप डिमोट कर सकते हो या तो आप डिसमिस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मतलब यही है कि लूप चलता जा रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में पता चल रहा है ना, उसके बेसिस आप उनका प्रमोशन करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको डिमोट करो, या जो मर्जी वो करो, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसलिए करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका ये लाभ होता है कि प्रमोशन करने में हेल्प मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड हो गया कंपनसेशन। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको क्या होता है कि कंपनसेशन पैकेज कितना रखना है किस एम्प्लॉय के लिए, वो आपको डिसाइड करने में मदद मिल जाती है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमेशा परफॉर्मेंस पे वर्थ दी जाती है कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है एम्प्लॉय की, अगर अच्छी है तो उसका कंपनसेशन
पैकेज, कंपनसेशन पैकेज में क्या क्या हो सकता है? बोनस हो सकते हैं, सैलरी रेट्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं, अलाउंसेस हो सकते हैं, ठीक है? मतलब जो भी कंपनी एक एम्प्लॉय को देती है ना, वो सारा आ जाता है आपका कंपनसेशन पैकेज में। कंपनसेशन पैकेज डिसाइड करने के लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो, ठीक है? या परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपको कंपनसेशन पैकेज डिसाइड करने में हेल्प मिल जाती है। मतलब दोनों वे से सही है ये। थर्ड आ गया एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब इससे एम्प्लॉयज की कैसे डेवलपमेंट हो रही है भाई? इससे देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल आप कर रहे हो ना, तो आपको एम्प्लॉयज के बारे में भी तो पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज में कितनी स्ट्रेंथ्स है, क्या करने की, क्या वीकनेसेस हैं एम्प्लॉयज में, ठीक है? और जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, न्यू जॉब्स डिसाइड कर सकते हैं। हाँ भाई, तू इस जॉब के लिए नहीं बना हुआ है, तेरी मैंने स्ट्रेंथ देख ली, वो किसी और जॉब के लिए है, तो उसको किसी और जॉब में भेज सकते हैं एम्प्लॉय को। और अगर उसमें वीकनेस है तो आप उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? तो एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। फोर्थ आ गया सिलेक्शन वैलिडेशन। सिलेक्शन वैलिडेशन कैसे भाई? सिलेक्शन वैलिडेशन का मतलब ही क्या होता है कि कभी भी आप कोई सिलेक्शन कर रहे हो ना एम्प्लॉय का किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसके लिए आपने एक वैलिडेशन लगा रखी है पहले से। हाँ भाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये स्टैंडर्ड अगर वो मीट करेगा तभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आप सिलेक्शन वैलिडेशन लगा सकते हो कि हाँ भाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने किया है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी वीकनेसेस हैं, या ये इसकी वैलिडिटी है, अगर इसको आप पार करते हो तो आप सेलेक्टेड हो, ठीक है? और परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आप सिलेक्शन मेथड में भी चेंज कर सकते हो कि कैसे आपको एक एम्प्लॉय को लेना है और कैसे एक एम्प्लॉय को रिजेक्ट करना है, ठीक है? फिफ्थ आ गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इससे कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? कम्युनिकेशन किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर कर रहा है कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का, तो उसके बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। जो सबॉर्डिनेट्स की स्किल है उसको वो समझता है, कोई भी सुपीरियर है या कोई भी सुपरवाइजर है, कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है? ये सारे एक ही होते हैं, मतलब ऊंचे लेवल के सारे लोग जो मैनेजर लोग होते हैं सारे, वो सबॉर्डिनेट्स की स्किल्स को समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? तो इसलिए कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ना सिर्फ बस वही समझते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो मतलब एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी अपने मैनेजर को समझते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है सुपीरियर्स के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो मतलब ये टोटल है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आप ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि मान लो कोई, मैं और मेरा मैनेजर बात ही नहीं करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, भाई मैनेजर को आना पड़ेगा मेरे पास मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, मेरी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, मेरे को फीडबैक देने के लिए। तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ गया। लास्ट आ गया इसका एडवांटेज, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे होता है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मेरी टीम में, मान लो मेरी 15 बंदों की टीम है, मैं एम्प्लॉय हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे साथ मेरे टीममेट्स हैं 15। अब मेरी टीममेट्स में से दो का प्रमोशन हो गया। कैसे हो गया भाई? उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, टारगेट सारे मीट किए, है ना, जो भी टारगेट थे। तो अब मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उनको देख के कि हाँ भाई, इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? अगर मतलब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करी है ना, तो मैं भी कल से काम करना शुरू कर देता हूँ। तो वही है कि मोटिवेशन आता है देख के परफॉर्मेंस अप्रेजल से। मोटिवेशन किस में आता है? एम्प्लॉयज़ में आता है। और जो लोग प्रमोट हुए हैं, जिन लोगों की सैलरी इंक्रीज हुई है, जिन लोगों का वेज स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, जिन लोगों का कंपनसेशन पैकेज अच्छा हुआ, उनमें भी मोटिवेशन आता है, ठीक है? तो ये कुछ छह थे एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, मतलब ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो गई है, और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके ऊपर एक दो और वीडियोज़ आएंगी जैसे कि मैंने बताया था। और यही था इस वीडियो में, तो आई होप आपको पसंद तो आई गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और लाइक मार देना वीडियो को, लाइक के बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।